मैं हूं तैमूर अली और आप देख रहे हैं आर्ट क्रिकेट। आज श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिए इंडिया के अगेंस्ट T20 सीरीज के लिए। और अगर कुछ हम स्क्वाड में नजर डालें और कुछ स्क्वाड की बात करें तो काफी एक तो हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, मगर एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है श्रीलंका ने अपना T20 सीरीज के लिए, जो कि वो खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच T20 सीरीज उसके लिए। अगर हम बात करें कुछ इन एंड आउट की, क्रिम लगा रखा गया, क्रिम लगा ड्रॉप किया गया, तो सबसे बड़ी जो खबर है वो कि एंजेलो मैथ्यूज जो कि बहुत बड़े प्लेयर है श्रीलंका के लिए, उनको वापस लिया गया है T20 स्क्वाड में। उमरान प्रदीप जो कि फास्ट बॉलर जिनको पहले खिलाना था श्रीलंका के T20 सीरीज में, मगर उनको इंजरी होगी प्रैक्टिस के दौरान जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया T20 सीरीज से। अगर कुछ बात करें मजीद जो 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है श्रीलंका ने अपना T20 सीरीज के लिए, तो उसमें शामिल है लैसित मिलिंगा जो कि कैप्टन होंगे, उसके अलावा दशुनका गुंतालिका है, अवशंका फर्नांडो है, एंजेलो मैथ्यूज, दशुन शंका, कौशल पेरेरा, निशान डिकवेरा, रंजन डी सिल्वा, इसरो उडाना है, ओशेदा फर्नांडो है, वेंदु हसारंगा जो कि लेग स्पिनर है, उसके अलावा लहरू कुमारा, कौशल मेंडिस है। ये वो प्लेयर है जो कि श्रीलंका ने नेम किए हैं इंडिया के अगेंस्ट T20 सीरीज के लिए। अगर देखा जाए तो ये स्क्वाड स्ट्रांग है, मगर अगर कंपैरेटिवली इसका कंपैरिजन किया गया इंडिया के T20 स्क्वाड के साथ तो फिर ये स्क्वाड इतना स्ट्रांग नजर नहीं आता हमें, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा अच्छे बैट्समैन है एज कम्पेयर टू श्रीलंका के, और उनको अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल होगा जो हेल्प करेगा इंडिया को T20 सीरीज में। अगर कुछ बॉलिंग की बात कर ली जाए तो जो बॉलर नेम किए हैं श्रीलंका ने अपने स्क्वाड में, वो है इसरो उडाना, उसके अलावा रजिता है जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी अपनी श्रीलंका के लिए खेलते हुए पाकिस्तान के T20 सीरीज में। इसरो उडाना है जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, काफी डिफरेंट लेग्स भी खेलते हैं जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, और वो भी काफी अच्छे बॉलर हैं। उसके अलावा स्पिनर में वेंदु हसारंगा है, उसके अलावा उनके पास वेंदु लक्ष्मण सदेकर है जो कि काफी अच्छे स्पिनर है, तो स्पिनर भी काफी अच्छे हैं श्रीलंका के पास और फास्ट बॉलर भी काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल एक कम्पिटेटिव सीरीज होने वाली है दोनों साइड के दरमियान ये, और होपफुली हमें तीनों मैच जो होंगे T20 सीरीज के वो अच्छे देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि आप कितना टफ टाइम दे पाता है श्रीलंका का स्क्वाड इंडिया को T20 सीरीज में, और क्या ये इतना स्ट्रांग स्क्वाड है कि वो इंडिया को इंडिया में हरा सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।